आज हम जो है वो डाइजक्स्ट्रा एल्गोरिथम पढ़ेंगे. सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं. शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड हुज वेट्स आर नॉन नेगेटिव. ठीक है, यानी कि हमने एक नोड से दूसरी नोड तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करना होता है और उस पाथ की जो वैल्यूज हैं यानी नॉन नेगेटिव होती हैं. तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ही होंगी, नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होंगी. अगर एग्जांपल से देखें, अगर आपको एक क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है कि इसको जो है वो डाइजक्स्ट्रा एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करें तो हमने क्या करना होता है, तो चलिए देखते हैं कि हमने इसको कैसे ड्रा करना है. सबसे पहले है कि ये जो है आपकी यानी ए जो लिखा है यहाँ, अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ जाए तो भी, या ए बी सी डी ई आ जाए तो भी एक ही बात है. तो ये जो ए है इसकी रूट है, और ये जितनी भी हैं यानी ए बी सी डी ए सारे नोड्स हैं, और ये हम लूप के ज़रिए इन नोड्स तक जाते हैं. इसमें इस एल्गोरिथम में हमने ये देखना होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो फॉलो करवाना होता है. चलें देखें, अब हमने रूट से ए का जो है वो फाइंड करना है. लेकिन ए को फाइंड करने से पहले सबसे पहले आप सब में इन्फिनिटी जो है वो लगा दें कि सबकी वैल्यूज़ जो हैं वो इन्फिनिटी हैं. क्यों हैं? क्योंकि जब हम ए से ए तक का रूट फॉलो लूप चलाते हैं तो वो यानी ए पे ही आके वापस रुक जाती है, तो वो जो है वो ज़ीरो या फिर इन्फाइनाइट कहलाती है. अब हमने ए से चेक करना है. ए से देखें, ए किस किस के साथ कनेक्टेड है? ए बी के साथ कनेक्टेड है, और ए डी के साथ कनेक्टेड है. सी के साथ बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है. ठीक है, ये देखें, ए बी के साथ है और डी के साथ है. तो सबसे पहले जो है ए की वैल्यू ज़ीरो हम लगाएंगे. क्यों लगाएंगे? कि जब ये ए से लूप चलते हुए वापस ए तक आएगी तो ये क्या जो है वो ज़ीरो हो जाएगी. तो हमने इसको ज़ीरो चेक कर लिया. उसके बाद हमने देखना है ए का जो है बी के साथ कैसे कनेक्टेड है. ए की लूप अगर बी तक हम इसको इस तरह लेके जाएं तो उसकी वैल्यू कितनी है? 4. तो हमने लगा दी 4. ओके, उसके बाद और सारी क्या हो गई? ए का सी के साथ कनेक्टेड है? नहीं, हमने इसको लगा दिया इन्फिनिटी. ए का डी के साथ कनेक्टेड है? हाँ जी है. तो इसकी वैल्यू है 8. ये देखें, तो ये हमने इसकी वैल्यू 8 लगा दी. ठीक है, उसके बाद ई में देखें, ए का ई के साथ कोई कनेक्शन है? अभी फ़िलहाल नहीं है डायरेक्टली. ठीक है, तो हमने क्या लगा दिया? इन्फिनिटी. यानी जिसके साथ इसकी लूप डायरेक्टेड है उसको हमने उसकी वैल्यू लिखनी है, जिसके साथ नहीं है उसको इन्फिनिटी लिखना है. ठीक है, उसके बाद हमने देखना होता है कि इस पूरी रो में कौन सी मिनिमम वैल्यू. हम शॉर्टेस्ट पाथ की बात कर रहे हैं तो शॉर्टेस्ट पाथ में मिनिमम वैल्यू को जो हम सर्कल कर देते हैं, मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4. ठीक है, तो अब ये जो ज़ीरो वाली लूप थी वो भी हम काउंट नहीं करेंगे. यानी ये एज इट इज़ नीचे 0 0 0 ही चलता आएगा. उसके बाद ये 4 वाली जो लूप है, क्योंकि ये सर्कल हो गई है तो ये भी एज इट इज़ नीचे आती जाएगी, तो हम इसको भी सॉल्व नहीं करेंगे. ठीक है, उसके बाद हमने जो है फाइंड करनी है सी की वैल्यू. अब हम देखें डायग्राम में, सी के साथ ए का डायरेक्टली कनेक्टेड है? नहीं है. हमें कौन सी लूप लेकर चलना पड़ेगी? यहाँ से यहाँ तक का रास्ता जो है हमें फॉलो करना पड़ेगा. तो यहाँ से यहाँ तक का रास्ता फॉलो करने के लिए हमें कितने बनते हैं? 4 + 3 कितने हो गए? 4 + 3 कितने होते हैं? 7. तो हम यहाँ पे 7 लगा देंगे. उसके बाद देखें, ए का हमने डी फाइंड करना है. ए का डी के साथ कनेक्शन है? जी हाँ है. कितना है? 8 वैल्यूज़ है उसकी. तो हमने 8 वैल्यू लिख दी. 8 वैल्यू लिखने के बाद अब देखें, ए का ई के साथ कनेक्शन है? जी हाँ है. लेकिन किस तरीके से, किस तरीके से लूप लेके चलनी पड़ेगी? इस तरीके से देखें, ए बी सी डी ई, इस तरह से. तो काउंट करें, 4 + 3 = 7. 7 + 4 कितने होते हैं? 11. 11 प्लस जो है 7. ये नहीं करेंगे, यहाँ से ऐसे जा रही है. 11 + 7 कितने हो गए? 18. तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे? 18. ठीक है, यानी कि जिस रास्ते से वो आ रही है उस रास्ते से हमने ये काउंट कर ली. ए हम डायरेक्टली ऐसे नहीं काउंट कर सकते. ठीक है, तो हमने 18 ले लिया. अब इस पूरी लाइन में देखें कौन सी आपके पास मिनिमम वैल्यू है, तो वो है 7. 7 को सर्कल कर लिया, तो इसकी भी जो है वो सोल्यूशन हल हो गया. यानी ये भी नीचे ऐसे ही आता जाएगा. अब इसको आप नीचे ऐसे लिखते जाएं या इस तरह स्पेस दे दें, डज नॉट मैटर. उसके बाद हमने देखनी है डी की वैल्यू. ए जो है वो डी के साथ किस तरीके से कनेक्टेड है? डायरेक्ट कनेक्टेड है. उसकी वैल्यू क्या है? 8. हमने 8 लिख दी. उसके बाद देखना है ई में, इसी रो में ई में, ए जो है वो ई के साथ कनेक्टेड है? जी हाँ है. लेकिन किस तरीके से? फिर वही लूप लेके चलेंगे इस रास्ते से. फिर हमारे पास कितने आ गए? 18. 18 आ गए. अब इन दोनों में देखें स्मॉल वैल्यू कौन सी है? ये वाली. इसको हमने सर्कल कर दिया, तो समझें ये भी आपका हल हो गया. ठीक है, नेक्स्ट हमने ई की वैल्यू चेक करनी है. ए से ई तक का फासला तय करने के लिए, सॉरी यहाँ पे जो 18 आया है ये 18 नहीं आना, 15 आना है. क्यों? हमने ए से
डी तक का जो है वो फासला तय करना था, ई तक का, ए से ई का, यानी यहाँ से ए से ई तक का फासला तय करना था, तो वो कितने होते हैं, 8 और 7 कितने होते हैं, 15, तो यहाँ पे 15 आएगा, ठीक है, 15, तो ये स्मॉल 8 था, तो इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद हमने क्या चेक करना है, ये डी भी हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद हमने क्या चेक करना है, ई, ए से ई तक डायरेक्टली शॉर्ट पास, शॉर्टेस्ट पाथ लेके जाएंगे, तो फिर क्या बनेंगे हमारे पास, 15, यानी 8 + 7 = 15, तो इन अब ये स्मॉलेस्ट वैल्यू रहेगी। अब हमारा शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, देखें, ए का हमारा इन्फिनिटी है, ए से जब हम बी तक गए तो शॉर्टेस्ट पाथ हमारा 4 है, ए से जब सी तक गए तो शॉर्टेस्ट पाथ हमारा 7 है, ए से डी तक गए तो शॉर्टेस्ट पाथ हमारा 8 है, ए से ई तक गए तो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ 15 है। इस तरीके से हमने शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो फाइंड करना होता है, ठीक है, ये हमने सारा शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो फाइंड कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।